ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दावा है कि अजीत पवार गुट के 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में हैं। चर्चा है कि शरद पवार गुट इस विधायकों का समर्थन लेकर वर्तमान सरकार को गिरा सकता है और राज्य में नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश कर सकता है। हालांकि अजीत पवार गुट ने इस तरह की किसी भी बात से साफ इनकार किया है। अजीत पवार गुट का कहना है कि शरद पवार गुट अफवाह फैलाकर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की स्थिति कमजोर हुई है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इस कमजोरी का फायदा उठाकर शरद पवार महाराष्ट्र में बड़ा खेला करने की फिराक में हैं। एनसीपी शरद पवार गुट ने दावा किया है कि राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार के 18-19 विधायक उनके समर्थन में आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये विधायक अपनी पुरानी और असल पार्टी में वापस आना चाहते हैं। एनसीपी के नेता रोहित पवार ने कहा कि 19 विधायक उनके संपर्क में हैं। इन 19 विधायकों में से किसे लेना है किसे नहीं यह फैसला पार्टी प्रमुख करेंगे। शरद पवार गुट के ही जयंत पाटिल ने कहा कि बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अब वे घर वापसी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 9 जून को पार्टी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इन विधायकों पर फैसला लिया जाएगा। उधर अजीत पवार गुट वाली एनसीपी की मुंबई में बैठक चल रही है जिसमें 40 से अधिक विधायक मौजूद हैं। आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।